लेकिन अब बाहर आके ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन वी डेफिनेटली सी, लेकिन ऐसे नहीं बिल्कुल देखा नहीं जाएगा अभी बिल्कुल मैं देखूंगा क्यों नहीं। सबसे ज्यादा क्या कुछ मिस कर रहे हो राजीव? दोस्तों को यार सबसे ज़्यादा। बिल्कुल मैं तो उमर और शमिता को, ये तो मेरा बहुत प्यार दोस्त था, वो बाहर आए मैं कितना रोया उसके पीछे पता है उसको। जब भी उमर और शमिता मिसिंग होते हैं होल हाउस इन जनरल में बहुत मिस करते हैं सब कुछ। मैं भी सबसे ज़्यादा मिस अपना प्रतीक और निशांत को कर रहा हूँ फिलहाल जो घर में है, तो मैं उनको मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम रात को चार चार पाँच पाँच बजे तक जागा करते थे, तो आई डोंट नो वो कैसे टाइम बिता रहे हैं अपना, लेकिन आई मिस दोस्त टाइम कुछ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एपिसोड में दिखाया जा रहा है, तो किसको देखकर बहुत ही ज्यादा ये फील हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और फिर ये सही नहीं जा रहा है? ये तो यही बताएंगे प्लीज। मैंने देखा है आई थिंक जो डेवलिन के साथ हो रहा है, आई मीन जो डेवलिन कर रही है घर में, और बिच्छू जी कर रही है घर में, मतलब शुरू से बोल रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और जो राखी के साथ अभी हुआ था शमित के साथ आम के जो ये भी पसंद है, आई थिंक सिम्बा भी ये एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूँगा कि गेम शो है और 24 घंटे आप साथ में हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मतलब होगा घर में, रियलिटी शो हो जाते घर में। आई थिंक डेवलिन और बिच्छू के तो उसका गेम प्लान मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है। सबका गेम प्लान यही है, जाओ और चीखो और मैं मस्ती करो तो वो शांत है। सिम्बा का कुछ अलग ही था और मैं भी कुछ अलग था, बिल्कुल हमको निकाल दिया। देखो तो क्या लगता है कि आप दोनों को मतलब रहना चाहिए आपके अलग ही कौन ये निकलना चाहिए था? बिचुकले फॉर श्योर, बिचुकले और डेवलिना मेरी तरफ से। आप निकलने तो डेफिनेटली अब ये बिचुकले और दूसरा है डेवलिना, मैंने देखा नहीं है पर मैंने बिना देखे इतना सुन लिया इनके बारे में कि मुझे लग रहा है कि हाँ निकालो भाई। मेरे से बहुत सुना है। ओके सो बिचुकले और डेवलिना की फाइट हो रही है, उसमें कौन ज़्यादा आपको रॉन्ग लग रहा है? मुझे अभी जो फाइट हुआ अभी हाँ, दोनों ही लोग लड़ते हैं, इतने लड़ते हैं पाँच बोलते लड़ते पाँच छः बोलते, मतलब बात ही नहीं करना चाहिए दोनों से। आई डोंट नो, आई जस्ट थिंक दे बोथ, ये एक लूप है जो लूप चल रहा है, क्या बोलूँ मैं। ओके सो तेजरन की जो दोस्ती है जो प्यार है वो अंदर तो आप लोग देख कर आए और यू टोल्ड मी दैट दे ब्रोक अप यस्टरडे। ब्रेकअप मेरा नाम मत कर ले, क्यों ब्रेकअप बोल रहे हो? मैंने बोला बहुत प्यार में दोनों, हां ये क्या बोल रहे हो? कुछ बस मुझे ही पता है, आई वाज लाइक कि शो के अंदर ही ब्रेकअप। राजीव क्या बोल रहे हो? नहीं 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 बहुत देखो दोनों प्यार में, वो भी बोलते प्यार में दोनों पूरा वो भी उसमें भी देखा है प्यार में। आई थिंक यू नो एवरी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स हो जाता है, एंड आई थिंक यू नो दे जस्ट आपकी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं हुआ कभी प्रॉब्लम होगा ना सबके साथ, हर रिलेशनशिप होता है ना प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल। पाचे भी हो गए दोनों का। ओके सो वो फेक लगता है या फिर जेन्युइन दिखता है क्या? आई थिंक इट्स जेन्युइन, आई थिंक इट्स वेरी जेन्युइन। या या जेन्युइन। रश्मि देसाई और उमर रियाज का रिश्ता किस तरह से आप लोग दोनों लेते हो, किस तरह से वो बॉन्डिंग आपको दिखी थी? उनका रिश्ता मतलब रिश्ता नहीं है, उनका फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है वो किस तरह से? आई थिंक देखो जो मैं ज्यादा क्लोज था लोगों से एंड फ्रेंडशिप नहीं हां फ्रेंडशिप में रिश्ता है। आई थिंक अभी वो दोनों बातचीत कर रहे हैं, आई डोंट थिंक एनीथिंग सीरियस है, आई थिंक लाइक इच अदर व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, मतलब मैं चाहता था कि दोनों लाइक करें दोनों को, आई मीन दे गेटिंग टू नो इच अदर, बट आई डोंट थिंक एनीथिंग सीरियस है। आई थिंक यू नो अभी बहुत कम टाइम है सुनाने तक, आई थिंक यू नो इतना गेम में टेंशन है, इतना प्रेशर है गेम में, अभी आई थिंक वहाँ ध्यान ही नहीं है अभी, आई थिंक दे वेरी गुड फ्रेंड्स, आई थिंक रोज नहीं ऑल थ्री वर्स नहीं फ्रेंड्स। सो अभी फिनाले आने वाला है, जानना चाहूँगी डिजर्विंग कॉन्टेस्टेंट कौन लगते हैं आप पहले बताओ? आप बताओ। नहीं ऑब्वियसली हमारे हिसाब से तो हम ही डिजर्विंग थे, लेकिन अब हम नहीं है सिंस, तो मेरे हिसाब से आई थिंक प्रतीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना इनपुट देता है, एंड उसके लिए ऐसा लगता है कि बिग बॉस ही सब कुछ है, तो मैं मुझे लगता है कि यार अगर इतना हंगर है तो मिटा दो उसकी हंगर यार। मेरा तो दो ही नाम है आपको पता है, एक तो शमिता है और उमर है, दो नाम। ओके घर से बाहर है मेरे लिए भी फिर दो नाम है, तो प्रतीक और निशान दो नाम, कितना ऑपोजिट है देखो। अपने बॉन्ड के बारे में क्या बताना चाहोगे, किस तरह से बाहर फ्रेंडशिप? अरे आई टू लव हिम यार, मतलब इट्स अबाउट यार कि मैंने ना बहुत लोगों से मिला हूँ मैं लाइफ में, लेकिन आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट सच अ जेंटल सच अ वार्म गाय, यू नो मैंने हमारी भी बीच में नोकझोंक हुई है ऐसी बात नहीं है, बट घर में सिर्फ रोटी के ऊपर रोटी के ऊपर, लेकिन घर में सिर्फ एक यही थे जो उस चीज़ को यू नो समझे, एंड वी बोथ
हमारा वो याद है रिएक्शन एक बीच में लुक एक्सचेंज हुआ था व्हाइल वी वर गोइंग इट वाज लाइक कि फक मैन क्या क्या कर रहे हैं हम यहां पे हम क्यों कर रहे हैं ये सब वी लव ईच अदर वी बोथ नो इट सिम्बा सब डेफिनेटली या एवरीबॉडी लव्स सिम्बा सिम्बा आस्क एनी कंटेस्टेंट हु वाज द मोस्ट स्वीटेस्ट इन द हाउस सिम्बा के नाम का सिम्बा सबसे स्वीट था सलमान खान सर का भी बर्थडे था और सबने बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया कितना आप लोग मिस किए क्या कुछ बताना चाहेंगे मैं तो हर रोज़ मिस करता बिग बॉस पता है विश आई वाज़ सेलिब्रेट हिज बर्थडे पर मनाएंगे फिनाली पे सब डेफिनेटली तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था बिकॉज मी एंड भाई शेयर्ड अनदर लेवल का बॉन्ड ओनली तो जब उनका बर्थडे था और मुझे पता चला कि उनको किसी साहब ने भी काट लिया आई वाज लाइक यार मेरा बहुत मन है कि मैं उनसे जाऊँ उनसे मिलूँ और यू नो थोड़ी बातें करूँ एंड आई विश हिम फ्रॉम माई हार्ट बिकॉज मेरे को दिल से उनको विश करने का दिल था बट ऑब्वियसली भाई इज भाई So I just posted something on Instagram and that was it. लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैं उनसे मिलूं और उनको विश करूं। Okay. So Big Boss के घर के बाहर से आप जब गेम देख रहे हो तो क्या लगता है कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो रॉन्ग जा रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से राखी रॉन्ग जा रही थी बिकॉज राखी इतना स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है इंडिविजुअली इतना स्ट्रॉन्ग है और जब मैं घर में था वो बिल्कुल डेवोन की बात सुनती थी अभी एक्चुअली थोड़ी बाहर आ रही है उसे शेल से बट आई थिंक डेवोन अभी भी शुड डेफिनेटली गोइंग रॉन्ग पाथ इन माय ओपिनियन राखी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर नाउ उसका दिमाग अभी यूज़ कर रही है थोड़ी जो मैं बहुत पसंद करता हूँ जो राखी सावंत है आई एम हैप्पी नाउ शी इज प्लेइंग बैक इन टू हर होम So he was the one, जब हम घर के अंदर थे, you know, what he used to say, he was like, I wish Rakhi Sawant आ जाए, I wish Rakhi Sawant आ जाए. I was like, but why? Already इतना ज़्यादा madness चल रहा है घर में, अब Rakhi Sawant भी आ जाए. तुम लोग शायद था, मैं ही mad था. वो मुझे उच्च तरह और mad में घर में सता है. So definitely, अब मैंने Instagram पे definitely I've been following colors, तो मैंने देखा है कि Rakhi Sawant और ये यही अभिनव बे चुकले हैं. तो ये दोनों बिल्कुल ही मतलब कम्प्लीटली अभिजीत सो दे आर कम्प्लीटली लाइक यू नो गोइंग मैड ओनली मतलब क्यों अभिजीत का मैंने कुछ देखा ही सेड समथिंग टू शमिता नो इतना चीज बोलते शमिता को लोग मुझे समझ नहीं आ रहा है मैन वो थक चुका हूं देख देख के उसका बट यू नो व्हाट आई थिंक दीस टू नेम्स सो न्यू ईयर भी आने वाली है किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं आप लोग न्यू ईयर मेरा मन तो बहुत था कि मैं घर वालों के साथ सेलिब्रेट करूं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे अभी थोड़ा सा यू नो आ रहा है यहाँ पे और ज़्यादा काम का नेक्स्ट प्रोजेक्ट का ये सब काम लाइक कि फर्स्ट आई शुड फोकस ऑन वर्क और जैसे ही मेरे को कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है देन आई एम डेफिनेटली गो एंड सी मेरा आई थिंक शिल्पा शिल्पा नहीं शिल्पा और शमिता के फैमिली के साथ मतलब अभी 8 साल से हर म्यूजियम साथ में लंदन में मनाते हैं और ये सब यहाँ हूँ ये लोग भी यहाँ हैं तो आई थिंक मम्मी मुझे नहीं हुई बट ऑब्वियसली हम शिल्पा शिल्पा फैमिली जब आप घर से बाहर निकले और शिल्पा मैम के साथ ये सब बातें होती होगी बिग बॉस की क्या उनका रिएक्शन होता है वो तो बहुत चिल्ड है वो कितना मज़ा आया तुमको हाउ इज शमिता डूइंग अच्छा खेल रही वो तो बहुत मस्त है शिल्पा शी इज एंजॉयिंग द होल प्रोसेस शी इज प्राउड ऑफ शमिता आई एम प्राउड ऑफ शमिता शी इज प्राउड ऑफ मी बहुत मुझे प्यार दिया पूरा फैमिली ने तो आई मीन शी इज एंजॉयिंग Thank you to all the fans. Please keep supporting. Please blessing. We love you. I love you all. I'm sure he, he loves you all also. Please give us all the love and we love you so much. And thank you for all the support. Thank you so much. तो मैं अपने फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको इतना सारा प्यार दिया लेकिन मैंने एक चीज़ जो घर से सीखी है मैंने ये चीज़ सीखी है कि यार ज़िंदगी में ना डोंट लुक फॉर द प्लेटफॉर्म डोंट लुक फॉर कि कौन इंसान है डोंट लुक फॉर कि कितना बड़ा चीज़ है कितना बड़ा बिजनेस है जो दिल बोलता है बस यार उतना ही करा करो क्योंकि दिल से खुशी जो आपको सुकून मिलता है वो आपको वही करके मिलता है जब आप वो करते हो जो आपका वाकई में दिल होता है जो आपको एक्साइटमेंट क्रिएट करे दिल विद दैट बाकी दुनिया जाए भाड़ में आप अपना काम करो जो दिल बोलता है बस उसकी सुनो मैं बस यही बोलना चाहूँगा Thank you so much. Thank you. Stay safe.